हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सनसन स्टडी। आज की जो वीडियो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास सिक्स की वर्कशीट सेक्शन रहेगी, जो 1 सितंबर की है। इससे पहले और भी बहुत सारी वर्कशीट बनाई जा चुकी हैं, आप देख सकते हैं, और जो आने वाले जो डेज हैं उनकी भी बनाई जा चुकी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। यह हम पोएम हाउस अ होम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लुक एट द पिक्चर, इसने बोला पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद आपको जो है स्टेंजा को पढ़ना है, जो स्टेंजा नंबर फर्स्ट है। देखो, जब आप लेसन पढ़ते हैं तो उसमें पैराग्राफ होते हैं ना, ऐसे अगर आप पोएम पढ़ते हैं तो उसमें स्टेंजा होती है। तो स्टेंजा वन जो पढ़ेंगे ना, अ हाउस अ होम की पढ़ेंगे। सबसे पहले पिक्चर को देख लो, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है। देखो, ये जो आपको खुला मैदान दिखाई दे रहा है ना, ये यार्ड है, ठीक है। और ये जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है ना, इसे बोला जाता है स्टूको, ठीक है। और टाइप ऑफ प्लास्टर, ये जो सारे प्लास्टर यूज़ किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और कवरिंग द वॉल, पूरी दीवार को इसने ढक दिया है, बहुत अच्छा प्लास्टर आपको लग रहा होगा। ऐसे ये ईव्स होती है, जिसे हम जो है छत का किनारा भी कहते हैं, आपने छज्जा भी सुना होगा। ऐसे ही चिमनी इसे बोला जाता है। अब आगे देखिए, पोएम है, मैं पोएम पढ़ता हूँ। व्हाट इज़ अ हाउस, मकान क्या है। इट इज़ ब्रिक एंड स्टोन, मतलब कह रहा मकान उसे कहते हैं जो ईंट और पत्थर से बना होता है। एंड वुड डैट्स हार्ड, या जो लकड़ी का बना होता है जो बहुत हार्ड होती है। सम विंडो ग्लास एंड परेस अ यार्ड, ये कह रहा है कि उनकी जो विंडो होती है ना कुछ, वो ग्लास की बनी होती है, कांच की बनी होती है, और शायद उनके जो मकान होते हैं उनमें एक यार्ड भी होता है, ठीक है। क्योंकि हर घर में नहीं होता, हर मकान में नहीं होता, ये बता रहा है कि वहाँ यार्ड भी होता है, आप देख सकते हैं। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, ये कह रहा है वहाँ पर ईव्स भी होती है और चिमनी भी होती है, ठीक है, ये मकान में, ठीक है। आप बोलोगे हमारा मकान तो ऐसे है, छत ऐसे बनी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ईव्स ही बोलेंगे, ठीक है, जो छज्जा भी कहलाता है, ठीक है। और चिमनी बोलोगे आपके घर में नहीं है, वो आपकी जो रसोई का जो धुआँ, वो उसके भी लिए कोई इंतजाम आपने किया ही होगा। एंड टाइल फ्लोर्स, और जो छत है ना उसमें टाइलें लगी हुई हैं। एंड स्टूको एंड रूफ एंड लोड्स ऑफ डोर्स, ठीक है, वही कह रहा है, उसमें स्टूको भी होता है, ठीक है, छज्जा, और रूफ भी होती है छत, और बहुत सारे दरवाजे भी होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मकान कहते हैं। अब ये आप सीधा मैं आपको आंसर की तरफ ले जाता हूँ, ताकि आप समझते भी जाओ, नोट भी करते जाना, ओके। देखिए, आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि आपने अगर स्टेंजा की रीडिंग अच्छे से करी है तो आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो बोला गया है अ हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जो एक मकान है वो किसका बना होता है, ब्रिक्स का, विंडो ग्लासेस का, और क्या बचा, वुड और स्टोन, ठीक है। और उसके बाद आगे पूछा गया है, इट हैज़ ईव्स, इसमें ईव्स होती है, डोर्स होते हैं, और क्या होता है, चिमनी, फ्लोर्स और रूफ होती है। आई लव माई हाउस, मैं अपने हाउस को पसंद करता हूँ। अब आपको अपने अपने मकान के बारे में बताना है, यहाँ से आप हिंट भी ले सकते हैं, सेकंड है ना, ठीक है। तो आपका जो घर है वो कैसा है, स्मॉल है या बिग है, ठीक है, आप इनमें से कुछ भी भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं इसमें आप स्मॉल और बिग इकट्ठा नहीं भर सकते, स्मॉल एंड ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, ठीक है, स्मॉल एंड एरिया लिख सकते हैं, मतलब आप समझ गए होगे ना क्या क्या लिख सकते हैं आप। तो इसलिए वर्कशीट कंप्लीट हो गई है डियर स्टूडेंट्स, और अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, सेफ्टी अपनी पूरी रखना। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।